अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वजाहत अली फ्रॉम अरकम एसोसिएट। तो आज जो है मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, और वो खुशखबरी ये है कि बैरियर टाउन कराची ने जो है एक नई कटिंग दी है 125 गज़ की, जो लोकेशन जो है उसकी वो प्रीसेंट 27 में। प्रीसेंट 27 के अंदर बैरियर टाउन कराची ने एक न्यू डील दी है, जिसके जो इस वक्त रेट चल रहे हैं वो 48 से 55 के राउंड अबाउट जो है वो वेरी कर रहा है प्लॉट की लोकेशन पर। ये बहुत ही मुनासिब रेट है 125 गज़ का। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो पूछते थे कि यार कोई नई डील आई है, कोई इस तरह का आप रेट बताएं हमें, या 125 गज़ का उस रेट का आप मुझे प्लॉट लेकर दें, जिसे जो मुझे उम्मीद हो कि मुझे 2-4 मंथ के बाद उसमें जो है 4-5 लाख का जो है वो प्रॉफिट मुझे मिल सके, मैं एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डील है, 48 से 55 के राउंड अबाउट जो है वो आपको 125 गज़ का बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट न्यू कटिंग में मिल सकता है। अगर हम प्रीसेंट 27 की लोकेशन को डिस्कस करते चलें तो प्रीसेंट 27 की लोकेशन जो है वो एवरग्रीन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है। जिस तरह आप जिना एवेन्यू से आते हैं तो अली ब्लॉक जिसे ही आप क्रॉस करते हैं लंडन ब्रिज आता है, लंडन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद राइट हैंड साइड में जो है आपको प्रीसेंट 27 मिलता है। प्रीसेंट 27 के अंदर आपको पता है 235 गज के विलास भी है और 125 गज के जो है प्लॉट है। अब उन्हीं प्लॉट के नजदीक जो है बैरियर टाउन कराची ने न्यू कटिंग दी है 125 गज की। सो एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है इन्वेस्टर्स के लिए भी, और जिनकी जो है वो बजट कम है, जो प्राइस जिनके पास कम है और एक अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है बैरियर टाउन कराची में जो है वो अपना प्लॉट हासिल करना या अपना प्लॉट लेकर उस पर घर बनाना। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। ये देखें ना, अगर आपको इस वक्त 48 से 50 के राउंड अबाउट एक अच्छा प्लॉट अच्छी लोकेशन का मिल जाता है, यही प्लॉट आपका जो है वो 3-4 मंथ के बाद जो है आपको अच्छा ऑन दे जाएगा 4-5 लाख के राउंड अबाउट। सो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए भी और रेजिडेंशियल पर्पस के लिहाज से भी। सो अगर किसी को भी प्रीसेंट 27 की न्यू कटिंग में जो है प्लॉट चाहिए या ओवरऑल बैरियर टाउन कराची में कोई सेल परचेज आपने करनी है, तो अब बिला ताखीर वजाहत अली से राबता करें। अस्सलामुअलैकुम।